पेट्रोल सब्सिडी योजना झारखंड। झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरा कर लिए हैं। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए एक नई योजना को शुरू करने का ऐलान किया था, जिसका नाम है झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। जैसे कि इस योजना के नाम से ही पता चलता है कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को अपने 2 पहिया वाहन पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, क्योंकि आज के समय में पेट्रोल की रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि गरीब लोग अपने वाहनों में पेट्रोल तक नहीं डलवा पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप गरीब लोगों को काफ़ी समस्या आ रही है। प्रदेश में गरीब परिवारों को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना 2022 को शुरू किया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को प्रदान किया जाएगा। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी के तहत 2 पहिया वाहन रखने वाले लोगों को 25 रुपये प्रति लीटर के दर से सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का केवल राशन कार्ड धारकों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सभी जानकारी विस्तार से बताते हैं, बशर्ते आपसे निवेदन इस पोस्ट को पूरा आखिर तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 29 दिसंबर 2021 के दिन रांची में आयोजित राज्य स्तरीय प्रोग्राम में पेट्रोल सब्सिडी योजना का आरंभ करने की घोषणा करी गई थी। इस योजना की सरकार द्वारा 26 जनवरी को झारखंड की उपराजधानी दुमका से लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के राशन कार्ड धारक परिवारों को अपनी मोटरसाइकिल अथवा स्कूटर आदि में पेट्रोल भरवाने पर सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। जिन लोगों का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा फिर झारखंड राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बना हुआ है, उन्हें इस योजना के तहत प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति 25 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। छब्बीस जनवरी से शुरू होगी योजना। 59 लाख राशन कार्डधारियों को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर मिलेगा लाभ। इस तरह से योजना के तहत राशन कार्ड धारक परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर कुल 250 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सब्सिडी की धनराशि को सीधे राशन कार्ड धारक के बैंक खाते में ट्रांसफर करा जाएगा। झारखंड में लगभग 59 लाख लोगों के पास राशन कार्ड मौजूद है। सभी राशन कार्ड धारक को इस लाभ मिलेगा। पेट्रोल अनुदान योजना के तहत पहले चरण में 20 लाख राशन कार्ड योजना पेट्रोल सब्सिडी दी जाएगी।